खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी कृष्णदेव सिंह उर्फ परनामी सिंह की गोली मारकर हत्या हुई मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त तीन अपराधी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संदर्भ में शनिवार को खजौली थाना परिसर में पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा एवं थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि परनामी सिंह के पिता तेज नारायण महतो को लिखित आवेदन पर खजौली थाना में FIR दर्ज हुआ था, जिसमें 9 अपराधी को नामजद किया गया था, जबकि 2 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित SIT टीम एवं IT सेल के सहयोग से घटना में संलिप्त 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें जयनगर थाना क्षेत्र के परवा गांव निवासी बद्री यादव एवं गोवराही के नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वही बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी प्रभात रंजन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि घटना के दिन उपयोग किए गए बाइक प्रभात रंजन का ही था, जिसे घटना स्थल से बरामद किया गया था। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि जयनगर बाजार स्थित जय हिंद टॉकीज के जमीन को लेकर आपसी विवाद व वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या का अंजाम दिया गया है, जिसमें रोहित यादव गैंग के लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक कृष्ण देव सिंह उर्फ परनामी सिंह जी अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था, जिस पर अलग अलग थानों में कई अपराधी मामले दर्ज हैं। सर, जो आज जो हत्याकांड में जो अपराधी को पकड़े हैं, आज की जो गिरफ्तार है, किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है? 4/8/2022 के सामने जो कृष्णदेव सिंह और परनामी की हत्या हुई थी, जिसमें 3 मोटरसाइकिल पर 9 नामजद आदमी गोली मार कर उसकी हत्या की, उसी के सिलसिले में उसी का 3 नामजद अदालत में का मूल वजह तो जयनगर स्थित जो जय हिंद टॉकीज के जमीन को लेकर के दोनों आपराधिक गिरोह के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों का ही आपराधिक क्षेत्र रहा है और मुख्यतः जो है जमीन को लेकर के वर्चस्व कमाई। हत्या के शिकार हुए कृष्णदेव सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के थे क्या? का भी पुराना आपराधिक इतिहास जी, वो आपराधिक में जो है सो क्या उनका पर भी हत्या के कोई आरोप है या लूटकांड का? वो भी बहुत से केस में आरोप करते हैं, सामाजिक ख्याति उनकी भी अच्छी नहीं है। सर, घटना का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड रोहित यादव है जी, उसी के नेतृत्व में। इसमें सर कितने नामजद थे? 9 नामजद, इसमें 3 की बर्तरी हुई, 14 की उसको भी आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।